से हम लोग हिंदी शिक्षण को प्रारंभ करते हैं, क्योंकि सीटेट में आपको ये भी पता होगा हिंदी भाषा की बात करें तो दो सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है 9 नंबर के गद्यांश, 6 नंबर के पद्यांश, उसके बाद जो 15 नंबर होता है हिंदी का शिक्षण होता है। यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए और आपके लिए भी, और हम ये कहेंगे कि अगर शिक्षण की तैयारी पूरी बेहतर तरीके से हो सके तो आप हिंदी में 30 में 28 नंबर आसानी से अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि उसकी तकनीक, उसकी रणनीति हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरू करते हैं अपनी अध्ययन अध्यापन का। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हिंदी के शिक्षण शास्त्र में क्या रोल है NCF 2005 का। तो लिखते हैं हम लोग NCF 2005, NCF 2005 क्या लिखेंगे हम लोग, सॉरी कट रहा होगा आप लोग को, साफ साफ नहीं दिख रहा है। चलिए NCF 2005 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, दोबारा हम लोग बनाते हैं, लिखते हैं NCF 2005। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे और आपके दिमाग में आएगा कि NCF का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक, हम अपने जो अध्ययन अध्यापन की बागडोर पकड़ेंगे वो NCF 2005 के अंतर्गत ही चलेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे और आपके जहन में प्रश्न आएगा कि NCF का फुल फॉर्म क्या है, चलिए हम लोग आगे अपना देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या, इसका फुल हिंदी में अगर कहें तो राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा 2005 है, ये सुझाती है, ये बताती है कि बच्चों को स्कूली जीवन के बाहर से जोड़ना चाहिए। माने जो राष्ट्रीय पाठचर्या NCF 2005 है, ये बताती है कि बच्चों को हमेशा स्कूल से बाहर की दुनिया से जोड़ना चाहिए। मतलब अब ये नहीं कि स्कूल में अगर बच्चे आ गए तो आपकी तरह एक बदुआ मजदूर की तरह हो, उन्हें हम क्या करेंगे बाहर की दुनिया से जोड़ेंगे। अब बालक को जो उदाहरण देंगे हम उसे उसके आसपास से जुड़े हुए चीज़ों को उदाहरण देकर उसे बाहरी गतिविधियों से जोड़कर पूरी तरह से पढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। फिर आगे कहता है यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके कारण इसकी व्यवस्था आज भी स्कूलों के बीच बनी। मतलब अगर हम NCF 2005 की बात करें तो हमें किताबों को रटाना नहीं है, हमें जो किताबी ज्ञान मिलते हैं, जो विरासत मिलते हैं कि कल आपको इतना पाठ पढ़ कर आना है, रट कर आना है, इसे क्लास में सुनाना है, इसे पढ़ाना, इससे एकदम दूर रखना है बालकों को। मतलब हमारी जो स्कूल की व्यवस्था होगी घर के बीच एक अंतराल बनाएगी, माने घर स्कूल के बीच अंतराल बनाएगी, एक नए स्तंभ का निर्माण करेगी जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए स्वयं से उत्सुक होंगे, जहाँ पे बालकों को यह नहीं बताना पड़ेगा कि नहीं आज हम आपको ये पढ़ाते हैं, बालक स्वयं से आपके साथ जुड़कर सीखना चाहे। देखिए इस सभी बातों को ध्यान से अगर सुनिएगा तो जब पेपर सॉल्व करेंगे तब वहाँ पे आपको इससे बेहतर अंक अर्जित करने के बारे में भी पता चलेगा। यह उस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास करती है, मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा है इसकी जो विचार है उस पर ही अमल करने का पूर्णतः क्या करती है, प्रयास करती है। क्या करती है, अमल करने का पूर्णतः प्रयास करती है। ठीक, अब आगे देखते हैं, अगर हम देखा जाए तो इसका जो आधार है NCF 2005 का, वो रटने की प्रवृत्ति को एकदम दूर रखता है, माने रटना एकदम विरोध करता है, माने यह प्रयास करता है कि विषय को एक मजबूत रूप से उन्हें सिखाया जाए, रटाया नहीं जाए, सिखाया जाए। तो NCF 2005 ये कहता है कि चाहे हिंदी भाषा समस्त जितने भी भाषा हो उन सभी को वह सिखाने पर बल देता है, न कि रटने पर। अच्छा, अगर इस प्रयास को अगर हम और देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई, क्या आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल केंद्रीय शिक्षा जो थी उसे और ज़्यादा सफल बनाया जा सकता है। अगर हम देखें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अब इसमें बाद हम लोग चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्या है, इसमें जो वर्णित बाल केंद्रित व्यवस्था थी, इसमें जो वर्णित थी, इसमें जो लिखा गया था कि यह बाल केंद्रित शिक्षा होगी, वह NCF 2005 इसमें चार चांद लगाने का प्रयास ही किया और उसमें चार चांद भी लगा दिया। अर्थात अभी तक हमने ये देखा कि बच्चों को रटाना नहीं है, उन्हें हमें सिखाना है, सीखने की प्रवृत्ति उन्हें हमें बल देना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, अगर आगे देखते हैं, अच्छा इस प्रकार की जो सफलता है मतलब इस बात पर निर्भर करती है कि अध्यापक कितने अनुभवी है, माने अध्यापक के अनुभव पर ही ये NCF 2005 अमल किया जा सकता है, माने उसे और विकसित किया जा सकता है, उसे बेहतर रूप दिया जा सकता है। इसके लिए जो प्रचार हैं, अध्यापक बच्चों को सीखने में अपने अनुभव का कितना प्रयोग करते हैं, माने बच्चों को सिखाना, एक बात याद रखिएगा, रटाना नहीं है, और उसमें प्रधानाध्यापक अध्यापक की
जो अनुभव है वो उसमें चार चांद लगा सकते हैं या उसमें एक बड़ा सहयोग देने के काम में कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं बालकों को हमें कल्पनाशील बनाना है। क्या बनाना है हमें बालकों, अगर देखा जाए तो हमें क्या बनाना है, कल्पनाशील बनाना है। मतलब बालक कल्पना कर सके, बालक जैसे भी कह दिया जाए उन्हें कि अच्छा बेटा क्या खा कर रहे हो, बताया सर सब्जी रोटी, सब्जी कहाँ से बनी, कौन बनाया, मम्मी किस चीज़ की बनी, कहाँ से आई, तो सोचेगा कल्पना करेगा। तो बालक को कल्पनाशील बनाना है, क्या बनाना है, कल्पनाशील बनाना है, जो बालक को सीखने में सहायक सिद्ध होंगे, जो बालकों को सीखने में क्या होंगे, सहायक सिद्ध होंगे। अध्यापकों को यह मानना होगा, जो अध्यापक उनको यह मानना देना होगा कि बच्चों को आज़ादी छोड़ दी जाए, क्या किया जाए, आज़ाद कर दिया जाए, उन्हें आज़ादी दी जाए ताकि बच्चे क्या करें, जैसे अगर आज़ादी दिया जाएगा तो बच्चे खेल खेल में सीखते हैं और सूचना सामग्री जुड़े जूझ कर एक नए ज्ञान का सृजन करते हैं। बालक हमेशा क्या होता है, अगर उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो जो अपने कार्य क्रियाकलाप आदि के द्वारा वो नए नए ज्ञान का सृजन करते हैं, क्योंकि बालक सृजनशील होते हैं, लेकिन उसमें एक अध्यापक की जो भूमिका होती है उन्हें उन्हें कठोरात्मक अनुशासनात्मक नहीं रखना है, उन्हें स्वतंत्र छोड़ देना है, रटिए पढ़िए सीखिए समझिए और वह TLM से अपने काम करेंगे, उसे बहुत कुछ सीखेंगे वो। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं अगर ये सीखने के जो और भी साधन है उसे हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि परीक्षा का जो एकमात्र आधार है पाठ्य पुस्तक है। बालकों को पाठ्य पुस्तक से दूर नई दुनिया में लेकर चलना है, उन्हें रटना नहीं है, किताबी ज्ञान में नहीं बांधना है, उन्हें बाहर की दुनिया से जोड़ कर रखना है, साथ ही साथ उन सभी बालकों को पाठ्य पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र प्रवृत्ति बनाना नहीं कि उन्हें परीक्षा देकर पास करना है, उन्हें बस सिखाना है, उन्हें परीक्षा का डर नहीं देना है, परीक्षा के डर से कहीं दूर लेकर बच्चों को जाना है। सृजन और पहल को विकसित करने के लिए जरूरी है कि बच्चों को भी क्या करें, शिक्षा में साथ ही साथ क्या बनाया जाए, भागीदार बनाया जाए, बच्चों को क्या किया जाए, साथ ही साथ भागीदार भी बनाया जाए। अब सीखने की प्रक्रिया में अगर बालक आपके साथ भागीदारी नहीं करेगा, बालक आपका भागीदार नहीं बनेगा, तो फिर हम बालकों को सृजनशील नहीं बना सकते। बालकों को कल्पनाशील बनाना है, उसके लिए उन्हें स्वतंत्र भी छोड़ना होगा। बच्चों को ज्ञान की खुराक का एक निर्धारित ग्राहक नहीं मानना चाहिए कि आज बालक को इतना पेज रटवाना है, नहीं ऐसा नहीं है, वो निर्धारित खुराक नहीं है, वो कोई आपका पेशेंट नहीं है, आप कोई डॉक्टर नहीं, आप एक अध्यापक है, जहां बच्चों को सृजनशील बनाएंगे, कल्पनाशील बनाएंगे, उन्हें सिखाएंगे और सीखते सीखते करते करते गतिविधियां करते हुए वो अपने ज्ञान का सृजन करेंगे और बहुत कुछ सीख लेंगे। वो ये सब दैनिक जीवन और कार्यशैली में काफी फेरबदल की मांग करते हैं, मैंने उनके दैनिक जीवन पर चर्चा करिए, रोजमर्रा की बातों पर चर्चा करिए, उसी पे उन्हें कल्पनाशील बनाइए, उन्हें कल्पना करने पे विवश कर दीजिए ताकि वो और कल्पनाशील हो सके, और जब कल्पनाशील होंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। क्यों? क्योंकि बालक सृजनशील होता है और अध्यापक का काम होगा। आगे देखते हैं इसकी जो दैनिक जीवन की समय सारणी होगी, इसमें लचीलापन होना चाहिए, कठोरात्मक नहीं होना चाहिए कि आज 5 घंटे पढ़ना है तो 5 घंटे पढ़ना है, ऐसा नहीं है। बालक का मन करता है, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, खेलना है तो खेलना है, क्योंकि बालक ज्ञान, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अधिगम क्या है, तो अधिगम कहीं भी हो सकता है, वह एक अध्यापक के ऊपर, एक चतुराई के ऊपर है। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ना कि वह प्रधानाचार्य और अध्यापक के अनुभव पर यह आधारित होता है, उसी के आधार पर वह क्या करता है, बालकों को सीखने में मदद करता है। ठीक, फिर हम देखते हैं शिक्षण और मूल्यांकन, शिक्षण और मूल्यांकन की विधियां इस बात को तय करती हैं, क्या करती हैं, कि जो पाठ्य पुस्तक होता है इससे बालकों पर बोझ नहीं देना है, उसमें बालकों पर बोझ नहीं बनाना है, मतलब ये नहीं करना है बालक बोर हो जाए, वह बोरियत महसूस करे, इस दशा में उसे खुशी की अनुभूति हो, शिक्षण कार्य प्रभावशाली हो, वो स्वयं सीखने की इच्छा उसके अंदर जागृत हो। जब यह कर पाएंगे तो बालक सृजनशील जरूर होगा। मन उसे किताबों से बोझ नहीं डालना है, उसे बोरियत फील नहीं होना चाहिए, और उसे दबाव नहीं देना चाहिए, वह सारे काम से उसे दूर लेकर चलना है ताकि वह अपना अध्ययन अध्यापन काम बेहतर तरीके से कर सके। यह पूरे NCF 2005 की रूपरेखा बता रहा हूँ, ये हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, मैथमेटिक्स, मैथ की शिक्षण और पर्यावरण के शिक्षण, शिक्षण मतलब सभी में यह काम करेगा, केवल एक जगह नहीं कि यह भाषा शिक्षण है तो केवल भाषा शिक्षण में ही काम करेगा। मतलब ये सोच विचार एवं विस्मय
देखिए मतलब एक बात भी हमें ध्यान रखना है, इस कोशिश में सोचना, विचारना, बच्चों से बातचीत करना और एवं बहस करना, उनके जैसे जो वो अगर कोई हाथ से कोई गतिविधि करते हैं तो उस गतिविधि में पूरा पूरा सहयोग देना ताकि पालक और बेहतर कर सके, वो नई नई चीज़ें सीखें, बनाएं। जो कोई मिट्टी का घड़ा बनाता है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, बेशक उसमें त्रुटियां हो, लेकिन आप जानते हैं थंडाई की प्रयात भूल थंडाई के अपने सिद्धांत पढ़ा होगा, उसमें यही बताया गया, यही सिखाया गया। तो सिद्धांत पढ़ने के लिए नहीं है, वो कच्चा कच्चे में उसका इस्तेमाल करना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसने हमने एनसीएफ 2005 के आधार पर भाषा शिक्षण को पढ़ने का पूरा प्रयास किया। उम्मीद करते हैं यह पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से अगर स्पीड ज़्यादा लगेगी, स्पीड कम करके देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर यदि कोई समस्या रहती है आप हमें जरूर अवगत करिएगा, हम सदैव आपके साथ हैं। और हाँ, अगर आपने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की तो मोस्ट वेलकम, अगर आपने ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन की है तो उसके लिए आप 6306344367 पर कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ साथ टेलीग्राम में इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, और जैसे आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे इलेनी में दुर्गेश साथ आप जुड़ जाएंगे, और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर एक जगह आपको इलेनी में दुर्गेश मिलेगा। उसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अपना बेहतर दीजिए, हम आपके साथ हैं। और सीटेड तो हम इस तरह से आप पास होंगे, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। जितना हमने पढ़ाया इसे ध्यान से मनन करके सोचिएगा, फिर देखिएगा आप कितना बेहतर स्कोर करते हैं। साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।